सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी नर्सिंग विद HS। सो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि हम अपने डेली लाइफ में महसूस करते हैं एंड फील करते हैं उन चीज़ों को। सो ये टॉपिक है हमारा साइकेट्रिक से। ऑल्दो साइकेट्रिक इज़ सो बोरिंग एंड मतलब अगर हम साइकेट्रिक को पढ़ने जाएँ तो साइकेट्रिक ऐसा लगता है उफ सो टफ है, लेकिन जब हम साइकेट्रिक को पढ़ने बैठते हैं और उसको खुद की डेली लाइफ के बेसिस पे रिलेट करते हैं तो साइकेट्रिक बिकम सो ईजी। सो जैसे कि आज का आपने ये टॉपिक पढ़ ही लिया होगा ऊपर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स। सो ये हमारी 8th यूनिट है, 3rd ईयर में साइकेट्रिक में। ओके, सो इसका इंट्रोडक्शन है हमारा। न्यूरोटिक डिसऑर्डर इज़ लेस सीवियर फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। जो हमारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर हैं वो बहुत लेस सीवियर होते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर से। जो हमारे फर्दर साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे एंड मैं इसकी स्लाइड्स भी आगे आपको बता दूँगी। सो पेशेंट शोज ईदर एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल रिएक्शन टू एनी गिवन स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं ना, कोई भी पेशेंट है तो वो एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग्ड इमोशन रिएक्शंस अपने अंदर शो करने लगता है किसी भी स्ट्रेस को रिलेटेड। ठीक है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है तो सोचता ही रहेगा उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद है दिस डिसऑर्डर आर नॉट कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द ब्रेन। ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये हमारे कोई भी ऐसे नहीं है कि हमें ब्रेन की कोई डिजीज़ है तो उससे कॉज होंगे, ये बस हमें हो जाते हैं। ठीक है, एंड हावर सीवियर एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। ओके, सो इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा आप लोग को। आफ्टर दैट आता है हमारा फोबिक एनजाइटिक डिसऑर्डर्स। इसमें ये क्या होता है, एक तरीके का नॉर्मल फिनोमेना है। इसमें होता है जैसे स्टेट ऑफ अनइजीनेस अराइज होती है पेशेंट को और एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर, जैसे उसे डर लगता है कि मैं किसी डेंजर में तो नहीं हूँ। एंटिसिपेशन होता है मतलब सोचता है, ठीक है, सोचता ही रहेगा और अनइजीनेस अराइज होने लग जाएगी डेली लाइफ में। एनजाइटी डिसऑर्डर आर एबनॉर्मल स्टेट्स। एक ऑब्वियसली बात है, अगर एनजाइटी है किसी चीज़ को लेकर, फोबिया हो रहा है, तो एबनॉर्मल स्टेट्स तो होगी वो हमारे डेली रूटीन की या लाइफ की। उसके बाद आता है द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर आर मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एनजाइटी विच आर नॉट कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज और एनी अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। सो ज़्यादातर जो मतलब हमारे ये स्ट्राइकिंग फीचर्स इसमें अकर होते हैं मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम ऑफ एनजाइटी में, वो हमारे ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ या किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के थ्रू नहीं होते, मतलब वो हो जाता है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि वो हो जाता है। उसके बाद आता है फोबिया। फोबिया क्या होता है, यू ऑलमोस्ट नो दैट फोबिया मीन्स डर लगना, हमें किसी चीज़ का फोबिया है। सो इसमें क्या होता है, इट इज़ एन अनरीजनेबल फेयर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एक्टिविटी और सिचुएशन। मतलब अनरीजनेबल डर है, जैसे किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को वाटर से होता है एंड काफ़ी सारे फोबिया होते हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी इनके बारे में। तो किसी स्पेसिफिक चीज़ एक्टिविटी सिचुएशन को लेकर डरना, दैट इज़ नोन एज फोबिया। सो इसके बाद आता है इन PAD। PAD मीन्स फोबिक एनजाइटी डिसऑर्डर। द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इंटरमिटेंट एंग्जाइटी विच अराइज इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। तो PAD में क्या होता है कि जो भी हमारा पेशेंट है वो एक इंटरमिटेंट एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करता है, मतलब फोबिया के साथ साथ उसे एंग्जाइटी भी होगी। ठीक है, विच अराइज इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस होंगे वहीं पर वो एक इंटरमिटेंट एंग्जाइटी को भी एक्सपीरियंस करेगा। That is in response to the phobic object or situation. Suppose a phobic object के जैसे जैसे मैं आपको example देती हूँ कि जैसे किसी को पानी से anxiety है, उसे पता है कि anxiety कह रही हूँ, पानी से phobia है कि हाँ मुझे पानी से डर लगता है, मुझे deep water में नहीं जाना है, मैं पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब क्या है, अब उसके सामने वो situation आ गई कि यार मतलब अब तो पानी में कूदना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो किसी को बचाना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा, तो दैट मीन्स अ सिचुएशन। तो उस टाइम जो उसे फीलिंग होगी और जो एन्जाइटी जो भी वो फील कर रहा होगा उस टाइम पे, दैट इज़ नोन एज इंटरमिटेंट एन्जाइटी, जो कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पर आ रही है कि अब उसको टास्क दे दिया कि हाँ भाई पानी पे कूदना ही पड़ेगा। तो अब एक तो उसे पहले से फोबिया था ही कि फोबिया है उसे, हाइड्रोफोबिया है, लेकिन अब उसे वो सिचुएशन भी सामने आ गई कि पानी में कूदना है, तो उस टाइम पे जो वो फील करेगा दैट इज़ नोन एज इंटरमिटेंट एन्जाइटी। सो समझ में आ गया होगा आपको एन्जाइटी, इंटरमिटेंट एन्जाइटी एंड फोबिया के बीच में डिफरेंस। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन आता है ICD-10 के अंदर, जैसे F40.0 में आता है एगोरोफोबिया, F40.1 में आता है सोशल फोबिया, F40.2 में आता है स्पेसिफिक फोबिया, F40.8 में आता है अदर फोबिक एन्जाइटी डिसऑर्डर्स, F40.9 में आता है फोबिक एन्जाइटी डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। सो उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स। टाइप्स में हमारा आता है सिंपल फोबिया, सोशल फोबियाज एंड एगोरोफोबिया। तो सिंपल फोबिया में क्या होता है, इरेशनल फेयर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, मतलब डर लगना है बस किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ना मोस्टली बचपन में होता है, जैसे चाइल्डहुड के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे जस्ट कोई छोटा बच्चा है, उसको हमने एक अच्छी वाली डॉल दे दी बारबी डॉल और एक दे दी हमने एनाबेला, तो अब उसके मन के अंदर क्या है, एक इरेशनल फेयर आ गया उस एनाबेला को लेकर, क्योंकि बारबी जो है ब्यूटीफुल है, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है बच्चे के लिए, मतलब बच्चों को बहुत पसंद होती है स्पेशली गर्ल्स को कि हमें बारबी डॉल चाहिए। अब एक तरफ बारबी है, एक तरफ एनाबेला है, दोनों उसके पास हैं, तो एनाबेला में क्या हो गया, एनाबेला डरावनी डॉल हो गई, मतलब गंदी सी वेयर्ड से लुक वाली, तो एक इरेशनल फेयर है कि हाँ मम्मी हमें ये वाली, मुझे ये डॉल नहीं चाहिए। जैसे उसके सामने वो डॉल ला रहे हैं तो वो रोने लग जा रहा है बच्चा, तो दैट इज़ अ इरेशनल फेयर, दैट इज सिंपल फोबिया, सिंपल फोबिया रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसके बाद आता है कि कॉमन होता है बच्चों में अर्ली टीनेज, जब अटेन करने वाले होते हैं अर्ली टीनेज, मोस्टली उस टाइम पर क्या बोलते हैं, ये गायब होने लगता है हमारा सिंपल फोबिया। सो उस टाइम गायब होने लगता है, बट किसी इन फ्यू केसेस, वेरी फ्यू केसेस में ये एडल्ट लाइफ तक हमारा परसिस्ट कर लेता है। समटाइम दे मे रीअपेयर आफ्टर अ सिम्टम फ्री पीरियड, मतलब थोड़े टाइम बाद ही अपने आप ही रीअपेयर होने लग जाता है सिम्टम फ्री पीरियड में, ठीक है। एक्सपोजर टू द फोबिक ऑब्जेक्ट अदर रिजल्ट इन पैनिक अटैक्स, तो इसमें क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल फोबिया बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है, हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, तो ये हमारे हमें पैनिक अटैक्स में भी एक्सपोजर हो सकता है। एक्सपोजर टू द फोबिक ऑब्जेक्ट ऑफन रिजल्ट्स इन पैनिक अटैक। अब बार बार हम बच्चे के सामने एनाबेला ला के रख दे रहे हैं, जबकि हमें पता है कि हमारा बच्चा उससे डरता है, एनाबेला से डरता है, एंड शी लाइक बारबी डॉल नॉट एनाबेला, लेकिन फिर भी हम उसके सामने एनाबेला ला के रख रहे हैं, एंड बहुत बार ऐसा हो गया है, तो वो चीज़ हमारी जो उसका डर है बच्चे का, वो दैट में रिजल्ट इन पैनिक अटैक्स ऑल्सो। ओके, सो सिंपल फोबिया क्या है, इरेशनल फेयर है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेके, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, बच्चों में कॉमन होता है अर्ली टीनेज में, ये गायब होने लगता है, बट इन फ्यू केसेस ये एडल्ट तक भी चला जाता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि पैनिक अटैक्स भी इसमें आ सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें आते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या है हमारे, इसमें इरेशनल फेयर ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है सिचुएशन को लेकर। उसके बाद इसमें क्या होता है, इमीडिएट एन्जाइटी ऑन कॉन्टैक्ट विद फेयर्ड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। जैसे फेयर्ड ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे एनाबेला रख दिया सामने, तो इमीडिएट एन्जाइटी होने लगेगी, हटाओ, बच्चा रोने लगेगा, डर जाएगा, एकदम से छुप जाएगा अपनी मम्मी के पीछे, तो इमीडिएट एन्जाइटी और फेयर्ड डर गया, ठीक है, सिचुएशन या ऑब्जेक्ट को लेकर। उसके बाद लॉस ऑफ कंट्रोल खो देगा अपना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, हटाओ मुझे यहाँ से, ले जाओ, लाइक दैट। फेंटिंग भी हो जाते हैं बहुत से केसेस में, एन्जाइटी व्हेन थिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया लेकिन बच्चा इतना ज़्यादा डर गया है कि वो उसके बारे में ही सोच रहा है, रात में सो रहा है तो सपने में एनाबेला आ रही है, तो उसे एन्जाइटी हो गई, तो दैट में ऑल्सो साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ सिंपल फोबिया। सो एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साइकेट्रिक बिना एग्जाम्पल के तो होगी ही नहीं, एंड एग्ज़ाम्पल भी ऐसे होने चाहिए जो हमारे, मतलब जिन्हें हम रिलेट कर पाएँ एंड जिन्हें हम समझ पाएँ, और क्योंकि साइकेट्रिक ऐसा है ना कि देखो अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगी,
ठीक है, इजीली। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे ना, सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम ब्लैंक होते हैं, सीरियसली लिखने में कुछ नहीं आता है। तो दैट्स बेटर कि हम एग्ज़ाम्पल लेके समझे चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें एग्ज़ाम्पल याद रह जाते हैं कि हाँ, जैसे जैसे मैंने अभी सिंपल फोबिया में एग्ज़ाम्पल दिया आपको एनाबेला वाला, सो मैं वो एग्ज़ाम्पल को लेकर मैं पूरी मतलब लैंग्वेज बनाकर अपना जैसे सिंपल फोबिया को एक्सप्लेन कर लूँगी वो एक एग्ज़ाम्पल को सोच सोच के कि क्या क्या बच्चे में साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, बच्चा क्या फील कर रहा है। सो इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल आप लोग को बीच बीच में दे रही हूँ कि विदाउट एग्ज़ाम्पल साइकेट्रिक इज इम्पॉसिबल एंड विदाउट डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल्स। ओके, ये नहीं कि कुछ भी एग्ज़ाम्पल ठूस दिया उठाकर कहीं का भी ये वो सो, ऐसा नहीं, मतलब होना चाहिए वो एग्ज़ाम्पल, मतलब रिलेटेबल होना चाहिए, तभी समझ में आएगी, साइकेट्रिक तो नहीं आएगी। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस इन मिडल। अब हम आगे बढ़ते हैं, सोशल फोबिया। तो सोशल फोबिया क्या होता है हमारा? इरेशनल फेयर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी, सॉरी इरेशनल फेयर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़, ये मैंने दो दो बार लिख दिया है, इरेशनल फेयर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल और इंटरेक्टिंग विद अदर्स। अब इसमें क्या होता है, इरेशनल फेयर आता है, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ अदर और इंटरेक्टिंग विद अदर्स, सोशल फोबिया। अब सोशल वर्ड से आप समझ ही रहे होगे सोशल क्या है, सोशलाइज होना। तो जब हम किसी से सोशलाइज हो रहे हैं और उस टाइम हमें जो फेयर आ रहा है, इरेशनल फेयर आ रहा है, डर लग रहा है अंदर से लोगों से मिलते टाइम, लोगों से इंटरेक्ट करते टाइम या कोई भी एक्टिविटी करते टाइम हमें एक घबराहट सी, एक डर सा हो रहा है, तो दैट इज़ द सोशल फोबिया, वेरी सिंपल। ओके, सो पेशेंट इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ओन एक्शन बीइंग वेयर्ड बाय अदर क्रिटिकल रिजल्टिंग इन ह्यूमिलेशन। अब पेशेंट इसमें क्या है, जैसे कोई पेशेंट है वो अफ्रेड हो रहा है अपने ही एक्शन से, अपने ही एक्शन से चिड़चिड़ापन ला रहा है, ठीक है, बीइंग वेयर्ड विद अदर क्रिटिकली पेशेंट्स रिजल्टिंग इन एम्बेरसमेंट और ह्यूमिलेशन। अब कोई पेशेंट है उसको मतलब अब अजीब सा बिहेव करने लग जा रहा है क्रिटिकली, ठीक है, तो क्या रिजल्ट करेगा, एम्बेरसमेंट और ह्यूमिलेशन। ओके, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हाइपर वेंटिलेशन, स्वेटिंग, कोल्ड एंड कामी हैंड्स, ब्लूशिंग होती है, पालपिटेशन हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, यूरिनरी अर्जेंसी हो सकती है। अब मैं एक और एग्जांपल सोशल फोबिया के साथ आप लोग को देना चाहूँगी, जैसे सपोज जैसे होता है ना बहुत से लोगों को कुछ भी उन्हें इंटरेक्ट करना है या उनका इंटरव्यू है, इंटरेक्ट करना है या फिर इंटरेक्ट से एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे जूनियर्स हैं और सीनियर्स हैं, तो एक इंटरेक्शन करने गए हैं जूनियर्स के साथ, फ्रेशर्स के साथ, तो जो जूनियर्स हैं उनके बीच में कुछ ऐसे होंगे जिन्हें एक सोशल फोबिया होगा, नहीं घुलते मिलते ज़्यादा सोसाइटी के साथ, नहीं इन्वॉल्व होते एक्टिविटीज़ में, तो अगर कोई सीनियर उनसे मतलब क्वेश्चन पुटअप कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उन्हें एक अजीब ही टाइप का कन्फ्यूज़न सा और एक अजीब टाइप की जो फीलिंग उस टाइम आएगी, दैट इज़ अ सोशल फोबिया। एंड मोस्ट से लोगों को यूरिनरी अर्जेंसी भी आ सकती है, लाइक इतना ज़्यादा उन्हें मतलब डर अंदर से लग जाता है कि उन्हें यूरिनरी अर्जेंसी भी आ सकती है। उसके बाद हमारा आता है एंटीसिपेटरी एन्जाइटी। एंटीसिपेटरी एन्जाइटी इज़ अ टाइप ऑफ साइन एंड सिम्टम जो कि हम सोशल फोबिया में भी देखते हैं। तो एंटीसिपेटरी एन्जाइटी में क्या होता है कि ये एडवांसली अकर हो जाती है। पहली बात तो एडवांसली अकर का मतलब होता है कि जैसे हमारा एग्ज़ाम है परसों से और हमें आज से एक तरीके की घबराहट, एक तरीके की एन्जाइटी, एक तरीके का डर जो हम फील कर रहे हैं एडवांस में, अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, एग्ज़ाम होने वाला है दो तीन दिन बाद, और उस टाइम पे जो हमें एक अजीब सी फीलिंग आ रही है उससे पहले, दैट इज़ अ एंटीसिपेटरी एन्जाइटी सच एज पब्लिक स्पीच और सोशल इवेंट्स। अब कोई सोशल इवेंट्स हो रहा है या कोई पब्लिक के बीच में स्पीच देनी है, पूरे कॉलेज के सामने हमें स्पीच देनी है, तो उस टाइम पे जो हमें फीलिंग आ रही है, जो भी हमें डर लग रहा है, एन्जाइटी हो रही है, फोबिया हो रहा है, तो दैट इज़ नोन एज एंटीसिपेटरी एन्जाइटी।
उसके बाद थर्ड हमारा आता है, थर्ड एंड लास्ट, मतलब हमारे जो उसमें है ना, तो वैसे तो बहुत सारे फोबिया होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आर शिरवानी जिससे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो उसमें बस हमारे तीन ही है, सिंपल फोबिया, सोशल फोबिया एंड एगोरोफोबिया. ओके, तो एगोरोफोबिया में क्या होता है, इरेशनल फेयर ऑफ बींग इन प्लेस अवे फ्रॉम अ फैमिलर सेटिंग ऑफ होम. अब इसमें क्या होता है एगोरोफोबिया में, अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डर लगना, किस चीज़ को लेकर डर लगना, जैसे फैमिलियर सेटिंग ऑफ, मतलब जैसे कि जैसे कोई बच्चा है वो हॉस्टल में शिफ्ट हुआ है, तो उस टाइम पे जो उसे फीलिंग आ रही है, उस टाइम पे जो उसे डर लग रहा है, क्योंकि वो एक फैमिलियर सेटिंग, जैसे फैमिलियर सेटिंग हमारा घर हो गया ना, घर से दूर आया है सेटल होने, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उस टाइम पे जो उसे फीलिंग और इरेशनल फेयर, यार कैसे हैंडल होगा, कैसे करेंगे सब कुछ, क्योंकि घर में तो सब कुछ ईजिली सब कुछ हैंडल हो जाता है, लेकिन बाहर आके उसे एक इरेशनल फेयर हो रहा है कि मैं हॉस्टल में आ तो गया लेकिन अब मैं कैसे हैंडल करूँगा सारी चीज़ों को. तो इरेशनल फेयर ऑफ बींग इन प्लेस अवे फ्रॉम द फैमिलर सेटिंग ऑफ होम, घर से दूर आकर जो हमें डर लग रहा है, लगना है, दैट इज नोन एज एगोरोफोबिया. इन क्राउड्स और सिचुएशन दैट द पेशेंट कैन नॉट लीव ईजिली. अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा बींग इन प्लेस अवे फ्रॉम होम, इन क्राउड्स और इन द सिचुएशन वेयर द पेशेंट कैन नॉट लीव ईजिली, मतलब ऐसी जगह जैसे क्राउड सिचुएशन जहाँ पे पेशेंट ना ईजिली नहीं लीव कर पा रहा है, और जैसे कोई है, जैसे अभी तक घर में था, उसे सारी साइन एंड सिम्टम्स थे, लेकिन फिर हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, हॉस्पिटल में डाल दिया, तो क्राउड में ऐसी सिचुएशन में पेशेंट नहीं फील कर पा रहा है, इरेशनल फेयर फील कर रहा है, दैट इज़ नोन एज एगोरोफोबिया. एज इट इंक्रीज इन सीवियरिटी, अब जैसे जितनी सीवियरिटी होगी ना, तो सीवियरिटी के साथ एगोरोफोबिया भी बढ़ता जाएगा. अब किसी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा सीवियर है हमारी कंडीशन, तो उस टाइम पर जो हमें डर लग रहा है, जो इरेशनल फेयर्स आ रहे हैं हमारे मन में, दैट इज़ नोन एज एगोरोफोबिया. तो जितनी सीवियरिटी उतना ज़्यादा एगोरोफोबिया. ओके, देयर इज़ ग्रेजुअल रिस्ट्रिक्शन इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ. अब इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ है ना, उसमें हमारा ग्रेजुअल रिस्ट्रिक्शन आने लगते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में. द एक्टिविटीज़ में बिकम सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड दैट द पर्सन बिकम सेल्फ इम्प्रेसनेस्ड एट होम. ठीक है, पर्सन ना अपने आप ही, मतलब ग्रेजुअल रिस्ट्रिक्शन इन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में लाने लगता है, और एक्टिविटी बिकम सो सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाती हैं इसमें. इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं ओवर रीडिंग, फेयर ऑफ ओपन और पब्लिक स्पेस, अवॉइडेंस ऑफ पब्लिक प्लेस एंड कन्फाइनमेंट टू होम. मतलब पेशेंट जो होता है ना, इसमें पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करने लग जाता है, और कन्फाइनमेंट टू होम, होम उसे ज़्यादा अच्छा लगता है. ये फेयर ऑफ हैविंग अ पैनिक अटैक्स इन पब्लिक. अब पेशेंट को यह है कि मुझे तो ये ऐसी ऐसी दिक्कत है पहले से, ऐसी ऐसी सीवियर कंडीशन चल रही है मेरे साथ, तो उसे एक फेयर होगा कि कहीं मुझे पब्लिक में पैनिक अटैक्स ना आ जाए, कहीं एम्बेरसमेंट ना हो जाए, इनएबिलिटी टू स्केप्स ना हो जाए. ठीक है, तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. इसमें मैंने बस आपको इंट्रो दिया है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स का, जो कि हमारे सिंपल फोबिया, सोशल फोबिया एंड एगोरोफोबिया है, उसका मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है कि वो होते क्या हैं, एंड आपको इनमें से किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत आई हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट भी लो कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है. सो मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें वो टॉपिक भी कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगी. इसके बाद हम इसकी एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे तीनों का. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड. और क्या बोलूँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो कर ही देना आप, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि यार वो नहीं दबाओगे तो वीडियो के नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे आप लोग को, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ही नहीं मिलेंगी इजीली एक्सप्लेन वाली. सो ये ज़रूर करिएगा, और आगे का पार्ट मैं सून अपलोड करूँगी, इटोलॉजी ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट. सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे होम.